झालरापाटन नगर पालिका में पूर्व कांग्रेसी पार्षद तूफान सिंह ने एक बार फिर जमकर तूफान मचाया। दरअसल पिछले दिनों पार्षद तूफान सिंह पालिका दफ्तर पहुंचा था, जहां उसने वार्ड के कामों को लेकर चेयरमैन से अभद्रता कर दी थी। चेयरमैन की ओर से उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। ऐसे में पार्षद तूफान गुर्जर साथी पार्षदों को लेकर पालिका पहुंच गया और जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल पोरवाल ने अभद्रता व मारपीट का आरोप लगाते हुए झालरापाटन थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसी प्रकरण में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महावीर सिसोदिया ने भी पार्षद तूफान गुर्जर के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया था, जबकि पार्षद तूफान गुर्जर उसके वार्ड में काम नहीं होने से नाराजगी दिखाते हुए पालिका अध्यक्ष से बात कर रहे थे। हमारे यहाँ जो साथी पार्षद हैं, वो सामुदायिक भवन का उनका टेंडर निकला हुआ एक साल पूर्व का, वर्क ऑर्डर उनके जारी हो गए 6 महीने पूर्व। वो इसी बात को लेकर चेयरमैन साहब के पास आए, चेयरमैन साहब से उसकी कोई बहसबाजी हुई और उन्होंने काम की बताई उनको, तो उन्होंने नहीं करे। उनके जो वर्क ऑर्डर की तारीख मेरे पास है, वर्क ऑर्डर है ना जो 25/9/2009 को जारी हो गया है। यहाँ पर लंबे समय से पार्षद द्वारा जनता के जो जनहित के जो चेयरमैन है उनके द्वारा जनहित के कार्य नहीं किए जा रहे, और जो जायज जिनकी NIT निकल गई, जिनके ठेके हो गए, वो काम भी नहीं करवाए जा रहे, लंबे समय से पेंडिंग है। वार्ड वाले परेशान हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं नगर पालिका। हमारे जो पार्षद है तूफान सिंह, वो बार बार यहाँ चेयरमैन के पास आ रहे हैं, ईओ से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे वार्ड के काम करवाइए। ईओ का ये कहना है कि मुझे चेयरमैन ने मना कर दिया, और ऑफिशियली तो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे मना कर दिया, तो आप ऑफिशियली नहीं बोल सकते। जो जायज काम है, जो आपके क्षेत्राधिकार में है, जो आपकी शक्ति में है, उन काम को आप कीजिए। इस तरीके से लंबे समय से उनके वार्डों की सारी जो शिकायतें हैं, किसी का निस्तारण नहीं किया जा। अभी